इतिहास की थोड़ी सी जानकारी दे दें। यह एक ऐसा विषय है जो कॉलेज में या कोचिंग में भी लोग नहीं छूना चाहता, नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि उनको याद भी नहीं रहता है और बच्चे भी इसमें थोड़ा सा अपने माइंड को उतना व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपटीशन में आता है, और ध्यान रखिएगा कि अन्य दूसरे छात्रों से जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं जानेंगे और एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, आप कैसे सफल होंगे। आपको 60% से फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल देता है, 45% से ऊपर बनाएंगे तो सेकेंड देगा, 33% पर आपको पास करेगा। लेकिन कंपटीशन इन तीनों से ऊपर है, आपको 65 से 70% रिजर्व को जाना पड़ेगा, और सामान्य जाति के हैं तो 75 से 80% बनाना पड़ेगा। तो आप सोचो कि आपको कितना पढ़ना है, यानी आपको वो चीज भी पढ़ना है जो सब नहीं पढ़ते, तब आप कंपटीशन को क्वालिफाई करोगे। यहां आते हो, देखिए इतिहास है ये, तो इतिहास को हम लोग जो है दो भागों में बांटते। सबसे पहले पृथ्वी की आयु में थोड़ी बता दूं, तो आपको शायद पता होगा कि सूर्य जो है यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस से जांच से पता चला कि 500 करोड़ वर्ष पहले सूर्य एकाएक विस्फोट किया, और करीबन 4.6 अरब वर्ष पहले यानी 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आई, और इस पृथ्वी के आने के बाद धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, और ठंडी होने के बाद जो है इसकी जो सघनता थी वो बढ़ी, और सघनता बढ़ी तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ा, और जो इसमें से पानी अंतरिक्ष में चला जा रहा था वह पानी वर्षा यानी बादल बनने लगा और गिरने लगा, और जहां जल होगा वहां जीवन होगा। पानी क्या हुआ कि एक जगह जब बिटुराने लगा, एकत्रित होने लगा, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा, ठीक इसी ढंग से नाइट्रेट की मात्रा, पोटास की मात्रा, ये सब मिलने लगी तो प्रोटीन बना, और प्रोटीन ही जीवन है, प्रोटीन से जीव बना। तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी बनी, और 360 करोड़ वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया शैवाल बना, जो इस पृथ्वी का पहला पौधा कहिए तो जीव कहिए तो, जो पानी में बना, यानी 100 करोड़ वर्ष लग गया इस पर जीवन के उत्पत्ति के लिए। 100 करोड़ वर्ष बाद जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे जलचर, जलचर से आपको स्थल और उभयचर दोनों में, फिर आपके स्थल, फिर नवचर सब बने। तो आज भी जो है जीवों में परिवर्तन आ रहा है, या इतना सनेह सनेह है कि इसे हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ पुराने जीवों के सापेक्ष देखने पर जो परिवर्तन आ रहा है वह साफ साफ दिख रहा है। तो इसी तरीके से इस पृथ्वी के इतिहास को लिखने के लिए चार भागों में बांटते हैं, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और क्वार्टनरी एरा। कितने भागों में बांटते हैं इतिहास को? चार भागों में, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, क्वार्टनरी। ये चौथा क्या है? क्वार्टनरी। अब इस क्वार्टनरी एरा को भी कई भागों में बांटते हैं, कार्बोनिफेरस एज, जुरैसिक एज एंड ह्यूमन एज, मनुष्य का। अब देखिए होंगे इस बार बिहार पुलिस में भी आया था और मैंने पढ़ा दिया था कि बीपीएससी में पूछे कि मनुष्य के पूर्वज कौन है, और उसमें दे बानर, लंगूर, कपी और अश्मिज लंगूर, तो आप मारना अश्मिज लंगूर। ये जो मानव का विकास हुआ है भारतीय मानव का, अश्मिज लंगूर से हुआ। अगर अश्मिज लंगूर न दे तब दे कि बानर, कपी, मछली और लंगूर, तो लंगूर मारना, मानव का विकास लंगूर से हुआ है। और अगर लंगूर भी ऑप्शन में हटा दे तब कुछ मानव का विकास किससे हुआ है, तो बानर से हुआ है। 62 टाइप्स ऑफ मंकी इन यूनिवर्स, माने या अंदर अर्थ 62 प्रकार के बंदर, अब उसी बानर से हम लोग बने। उसमें कुछ कलमुहा है, कुछ ललमुहा है, कुछ खूब गोरे चेहरे के लोग हैं, कुछ सांवले चेहरे के लोग हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की उत्पत्ति बानर से हुई है।
और वानर नबी आपको बता दे कि धीरे धीरे बड़ा लोग शिवापिथिकस रामापिस्टकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस इस तरीके से बढ़ा और फिर काकेशियन मंगोलायड भूमध्य सागरीय ये सब आपके मनुष्य के पूर्वज लगे और उनमें से ही द्रविड़ ये सब पूर्वज उनमें से ही कुछ मनुष्य जो है अपने साक्ष्यों को छोड़े। अब विश्व लेवल पर जो अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है वह 25 लाख BC का मिलता है। कितने बीसी का मिलता है? 25 लाख ईस्वी पूर्व से मनुष्य एक परिवार नामक इकाई में समान पर रहने लगा था और अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्रों में इनके साक्ष्य मिलने लगे हैं कंदराओं में और भारत में यह आपके 5 लाख वर्ष पुराना है। तो भारत के इतिहास को विश्व के इतिहासकारों ने 5 लाख से 1964 तक माना है। हालांकि भारत में भी मनुष्य की खोपड़ी मिली है। महाराष्ट्र के बोरी नामक एक स्थान है वहां पर जर्मनी की एक बहुत विद्वान महिला थी गडरून कॉर्विक्स नाम था। क्या नाम था? गडरून कॉर्विक्स। उस महिला ने महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मनुष्य के 14 लाख वर्ष पुराना खोपड़ी खोज लिया जो मनुष्य का ही खोपड़ी है जांच हो गया और वो 14 लाख वर्ष पुराना। तो जो लोग ये कहता है कि भारत की आबादी माइग्रेटेड है दूसरे देशों से आई है तो निश्चित रूप से उनको इतिहास लिखने नहीं आता अथवा इतिहास की समझ नहीं है। यह अंग्रेज और मुसलमानों का षड्यंत्र था क्योंकि मुसलमान भी भारत में है अंग्रेज भी है इनकी बोलबाला थी तो वो साबित करना चाह रहे थे कि सभी भारतीय विदेश से आए हैं और मैनिपुलेट कर दिए वो दो साक्ष्य विदेशों से लेकर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भारत की जो भूमि है वो अति प्राचीन है। बिहार जो बना है आपका ये 70 लाख वर्ष पहले बन गया था। 12 करोड़ वर्ष पहले हमारा गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड सट गया था और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है कि एक बहुत बड़ा पृथ्वी पर भूकंप आएगा और जो ये टेथिस सागर है वो धीरे धीरे पानी चारों तरफ फैला देगा और विष्णु भगवान मछली बनकर आएंगे और यहाँ के राजा को जो है हिमालय पर्वत पर ले जाएंगे। तो सोचिए कि 12 करोड़ वर्ष पहले की कहानी को भी गुरु शिष्य परंपरा से चलते रहा और जब लिखाने लगा तो 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है उसमें लिपिबद्ध हुआ। अब भले ही मेरा जो है सर्टिफिकेट आज बने लेकिन मेरा तो जब 56 साल पहले हुआ है ना, आज थोड़े हुआ है, तो लिखाए पर उससे क्या लेना देना है दुनिया को? जब लिखाने से नहीं, मैं जब आया तब से होना चाहिए। तो वहां टेथिस सागर की चर्चा है और इसी ढंग से मत्स्य पुराण में ये सारी कहानी आई हुई है और ये घटना वेनेगर महोदय ने कहा कि घटित भी हुई है कि 12 करोड़ वर्ष पहले इधर से गोंडवाना ने इधर अंगारा ने टकराया और फिर मुजवंत पर्वत जिसको हिमवंत पर्वत नेपाल में सागर माथा और अब हम सभी हिमालय करते हैं बनकर तैयार हुआ और सही बात है 70 लाख वर्ष पहले बना। तो भारत में ऐसा नहीं, मनुष्य आदिकाल से रहा है और आज भी विकास कर रहा है, पहले भी विकास किया था। विकास नहीं हुआ तो हमने वेद लिख दिया, विश्व में वेद कहाँ है? हमने उपनिषद लिख दिया, हमने वेदांग लिख दिया, हमने पुराण लिख दिया, हमने प्रकृति में पेड़ पौधा को भी महत्व दिया, नदी को भी महत्व दिया, तालाब को भी दिया, सूर्य को भी दिया, चंद्र को भी दिया, ध्रुवतारा को भी दिया, किसको नहीं दिया? भैया को दिया हमने। हमने जो है सभी सांप से लेकर बिच्छू तक सबको हमने सम्मान दिया, यानी अति विकसित ज्ञान अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से मनुष्य यहाँ था, कहीं से आया हुआ नहीं है, इतना एकदम क्लियर है। अब एक बात लेकिन इतिहासकार 5 लाख बांटते हैं, चलो भैया। अब 5 लाख को फिर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। कई लोग कंफ्यूजन में बच्चे पढ़ते नहीं होना चाहिए इनको। ये 5 लाख BC से 1000 AD तक गजनवी के आक्रमण तक को प्राचीन काल कहते हैं। 5 लाख ईस्वी पूर्व से गजनवी तक के आक्रमण को क्या कहते हैं? प्राचीन काल। हालांकि NCERT में हर्षवर्धन तक ही प्राचीन दिखाया, लेकिन जब आप मेडिवल पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्य काल
जिसमें राजपूत काल दिया है और फिर भी नहीं क्या कर्म, वहां एनसीईआरटी भी क्लियर कर दिया है कि 1000 AD तक के काल को प्राचीन में जाना जाएगा। अब 1000 AD से 1707 तक यानी गजनवी के आक्रमण से औरंगजेब के मृत्यु तक को मध्य काल करते हैं। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यहाँ देखेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु से लेकर और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक को क्या कहेंगे, आधुनिक काल कहेंगे। विश्व में आधुनिक काल 2023 तक पढ़ाया जाता है, यहाँ देखिएगा। लेकिन इंडिया में जो है आधुनिक काल जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु तक, बाकी जो पढ़ना है वो इकोनॉमिकल इवेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स में पढ़िएगा, पॉलिटिकल इवेंट्स में पढ़िएगा, उसमें आएगा, लेकिन इसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता। अब देखेंगे ये एंशियंट एज को भी तीन भागों में हम बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक जिनको केवल आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स पर लिखते हैं, ये 5 लाख BC से 2300 ईस्वी पूर्व के बीच है, और प्रोटो हिस्टोरिक जिनके आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स भी हैं और लिपि भी है। लेकिन लिपि क्या है आपका, चित्राक्षर है, एक भाषिक है, ब्रायोफेंडम शैली में है, जिसको गोमूत्र शैली भी कहते हैं, इसको प्रमाणिक ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है ड्यू टू सिंगल लैंग्वेज, मोनो लैंग्वेज, अगर यही आपका दो द्विभाषी रहता तो इसको प्रमाणिक ढंग से पढ़ लिया जाता। इसलिए इस समय के इतिहास जो है एक ससंकित इतिहास है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिकल प्रोटो हिस्टोरी कहते हैं। ये हिस्टोरिक है जो ऋग्वेद से लेकर जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु तक आता है, ठीक है। यानी लिपि को पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है और व्याख्या भी किया गया है। अब एक बात, इस प्री हिस्टोरी को भी तीन भागों में बांटते हैं, आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक है कि पूरा पाषाण काल, बहुत पुराना पत्थर का काल, बहुत पुराना पत्थर का काल, आइए मध्य समय के पत्थर का काल मेसोलिथिक, आइए है आपका नायका पत्थर का काल नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। तो ये हो गया पुराना पत्थर का काल, पूरा पाषाण काल, ये हो गया मध्य वाला पत्थर का काल यानी कि मध्य पाषाण काल, आइए नायका पत्थर का काल नवपाषाण काल। तो इस ढंग से अभी फिर पुराना पत्थर वाला मैंने पिछली कक्षा में आपको कल बताया था कि इसको भी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद इसमें आता है कैल्कोलिथिक, फिर मेगालिथिक, फिर ब्रोंज एज आता है आपका, और तब जाके इतिहास की सिस्टमेटिक शुरुआत सिकंदर के आक्रमण के ठीक पहले ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तब सूत्र काल जिसमें आपको महात्मा बुद्ध, अजित केशकम्बलिन, पूरण कश्यप, महावीर, इन सब की चर्चा होती है जिसको सूत्र काल कहते हैं। और तत्पश्चात इतिहास जब आगे बढ़ेगा तब जाके मगध महाजन पद की चर्चा होगी, मगध महाजन पद से आगे बढ़कर जो है भारत में साम्राज्यवाद होगा, फिर मौर्य वंश होगा, और मौर्य वंश के बाद धीरे से इतिहास चल जाता है आपको गुप्त वंश की तरह की, विदेशी आक्रमण भी बड़े पैमाने पर करते हैं जिसमें शक है, कुषाण है, पल्लव है, पार्थियन है, दक्षिण भारत में जाके देखेंगे सातवाहन है, उत्तर में शुंग है, कण्व है, और तत्पश्चात ट्रेड एज होता है, फिर गुप्त काल होता है, और गुप्त काल के बाद सामंतवाद का अंत होते हैं, राजपूत काल की शुरुआत होती है, और इस विश्व में इस्लाम का जन्म होता है, और वो विलासिता के लिए भारत को सॉफ्ट कंट्री देखते हैं, आक्रमण होता है, और यहाँ इस्लामिक सत्ता की स्थापना यानी मध्यकाल शुरू होता है। तो एक एक करके खत्म करेंगे हम लोग।